एमआईएम अध्यक्ष और लोकसभा सांसद असदुद्दीन ओवैसी अक्सर अपने बयानों की वजह से सुर्खियों में रहते हैं। मोदी सरकार के फैसलों पर जिस तरह से वो सवाल उठाते हैं, वो सवाल उठाना कई बार लोगों को अखड़ जाता है, क्योंकि मुद्दा कोई भी हो, फैसला कोई भी हो, असदुद्दीन ओवैसी को हमेशा आगे आकर अपनी राय रखनी होती है। वो अलग बात है कि सबसे बड़े मुस्लिमों के हितैषी बनने वाले असदुद्दीन ओवैसी को हर चुनावों में मुसलमानों का ही समर्थन नहीं मिलता। हाल ही में गुजरात चुनावों में भी ऐसा ही हुआ। ओवैसी के लिए गोधरा के मुसलमानों तक ने ये बात कह दी थी कि हम ओवैसी के साथ नहीं हैं। बीजेपी या फिर कांग्रेस को लेकर कंफ्यूजन है। यानी कुल मिलाकर देखा जाए तो ओवैसी भले ही मुसलमानों के हक की बात करने का दावा करते हो, लेकिन मुसलमान उनके पक्ष में उनके साथ खड़े हुए कभी दिखाई नहीं दिए। खैर, इन सब के बीच अब असदुद्दीन ओवैसी की एक तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, जिसमें वो स्टेज पर अपने सबसे बड़े राजनीतिक प्रतिद्वंद्वी के साथ खड़े हुए नजर आ रहे हैं। अब ये मंच कौन सा था और कौन है उनके राजनीतिक प्रतिद्वंद्वी, चलिए आपको विस्तार से बताते हैं। दरअसल गुरुवार को हैदराबाद में असदुद्दीन ओवैसी की बेटी की शादी हुई। शादी समारोह में तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव शामिल हुए। यहां पहुंचकर उन्होंने दूल्हा दुल्हन से भेंट की और साथ ही साथ उन्हें अपना आशीर्वाद भी दिया। इसी शादी समारोह से एक तस्वीर भी सामने आई है। तस्वीर में आप देख सकते हैं कि असदुद्दीन ओवैसी और तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसीआर दूल्हे के साथ नजर आ रहे हैं। तस्वीर में असदुद्दीन ओवैसी के भाई अकबरुद्दीन ओवैसी भी दिख रहे हैं। आपको बता दें, केसीआर और ओवैसी एक मंच पर बहुत कम दिखाई देते हैं, क्योंकि सब जानते हैं दोनों ही राजनीतिक प्रतिद्वंदी हैं। हालांकि दिलचस्प बात यह है कि दोनों एक दूसरे की आलोचना करते हुए कम दिखाई देते हैं, दूर दूर होकर भी दोनों पास नजर आते हैं। लोग कई बार इनकी दोस्ती पर, इनकी दुश्मनी पर, राजनीतिक प्रतिद्वंदता पर सवाल उठाते हैं। लोगों की समझ से परे है इनका रिश्ता और इनकी राजनीतिक दुश्मनी। खैर, जिस तरह से केसीआर राजनीति को साइड कर ओवैसी की बेटी की शादी में पहुंचे, दूल्हे के साथ फोटो खिंचवाई, दूल्हा दुल्हन को आशीर्वाद दिया, ये नजारा देखकर हर कोई हैरान है। वैसे आपको बता दें, दोनों की चोरी छिपे दोस्ती के चर्चे भी कई बार सामने आते हैं। दरअसल ऐसे कई मौके आए हैं जब ओवैसी कई मामलों में केसीआर का विरोध करने की जगह चुप्पी साध लेते हैं। लोकसभा चुनाव 2019 के दौरान केसीआर और ओवैसी की जोड़ी ने मिलकर बीजेपी पर बहुत हमला किया था। बता दें, कई चुनावी रैलियों में इस तरह की बातें देखने को मिली थी, जहां पर ओवैसी चुप्पी साधते हुए नजर आए थे, लेकिन वहां पर उनको केसीआर का विरोध करना चाहिए था। यही दोस्ती 2018 में भी देखने को मिली थी, जब ओवैसी ने कहा था कि तेलंगाना राष्ट्र समिति अपने दम पर तेलंगाना में अगली सरकार बनाएगी और पार्टी तेलंगाना राष्ट्रीय समिति और उसके प्रमुख के चंद्रशेखर राव के साथ खड़ी रहेगी। देखा जाए तो अलग अलग होने के बावजूद दोनों की दोस्ती भी दिखती है, लेकिन एक ही मंच पर दोनों को बहुत कम देखा गया है, लिहाजा ये कहा जाता है कि दोनों के बीच राजनीतिक दुश्मनी है। अब ये दुश्मनी कब दोस्ती में बदल जाए और दुश्मनी कब दोस्ती में, राजनीतिक गलियारों में कभी भी कुछ भी हो सकता है और ये हर कोई जानता है। बहरहाल, जो तस्वीर सामने आई है ओवैसी की बेटी की शादी से, उसको लेकर अब आप क्या राय रखते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं।